हेलो एवरीवन, जिस तरह कल आपका कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर लीक हो गया था, उसी तरह यहाँ पे कक्षा 12वीं अंग्रेजी का सेट डी का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। सो देखिए, पूरा क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। जी हाँ, पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन डिफिकल्टी आपको कहाँ पे होती है, क्वेश्चन आंसर में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर कौन से याद कर लें जिसके कारण हमें यहाँ पे संपूर्ण मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इस पेपर में मुझे देखने के लिए मिले और जो ये क्वेश्चन पेपर है कल आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो आपके यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दो अंक में जो आने वाला है, व्हाट हेड पुट अप द यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, जो सूचना पटल पर क्या सूचना लिखी हुई थी। ठीक है, तो सूचना पटल पर क्या सूचना लिखी हुई थी, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, ऑर्डर कम फ्रॉम। तो ये पूरा जो आंसर है ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, नोटिस ऑन द यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड, तो ये पूरा नोटिस चिपकाया गया था। जो भी इसका आंसर है ये पूरा आपको समझ के इसका आंसर याद कर लेना है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मुझे देखने के लिए मिला था, वो दूसरा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, देखिए, व्हाट डिड यहाँ पे मिस्टर हेमल राइट इन द लास्ट ऑन द यहाँ पे ब्लैंक बोर्ड। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने क्या लिखा हुआ था, मिस्टर यहाँ पे हेमल ने, मिस्टर हेमल ने ब्लैक बोर्ड के अंत में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ था, ये आप देख लीजिए, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ये मेन हाईलाइट है इसका जो इन्होंने लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलने वाला है सेट डी में, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखने के लिए आपको मिलने वाला है वो है यहाँ पे, देखिएगा, ये हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। ठीक है, मुकेश अपने जो है यहाँ पे सपने के बारे में क्या सोचता था, ठीक है, किस तरह से अपने सपने पूरे करना चाहता था मुकेश। ठीक है, तो ये मुकेश वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पढ़ लेना होगा। ठीक है, किस प्रकार से उसने अपने ड्रीम जो उसके सपने थे उसको उसने पूरे करने के लिए वो सोच रहा था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो चौथा आपका यहाँ पे पूछा जाने वाला है वो है आपका, देखिएगा, What could we come of? देखिए, जो यहाँ पे विलेज एरिया है, ठीक है, जो विलेज एरिया है वो शहर शहर वाले लोगों के प्रवास से यहाँ पे देखिए गांव से शहरों की ओर जो लोगों का प्रवास हो रहा है, आ जा रहे हैं, तो वो मतलब गांव से शहर छोड़ करके वो शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर आपको अपने शब्दों में देना है, वो भी इंग्लिश में, तो इसको आप देख लो और पूरा यहाँ पे याद कर लो। ठीक है, और जो ये पीडीएफ है, देखो आप सभी सोच रहे होंगे इसकी पीडीएफ आप नहीं देंगे सर, देखिए मैं पीडीएफ भी देने वाला हूँ आपको। चलिए पहले मैं आपको वीडियो को रोक करके सबसे पहले यही बता देता हूँ किस तरीके से आप इसकी पीडीएफ को बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करके स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना है। ठीक है, फिर जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखेगी इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए कक्षा 12वीं हमें यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश की जो पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो इंग्लिश की पीडीएफ जो है हमारी सेक्शन डी वाली यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेक्शन डी वाली इंग्लिश की पीडीएफ आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे सबसे नीचे हमें आ जाना है। सबसे नीचे जैसे ही आएंगे हम यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन हमें दिख जाएगा, तो इस डाउनलोड के बटन पे हमें क्लिक कर देना है और 15 सेकंड का आपका यहाँ पे टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 15 सेकंड तक जब तक चलता है तब तक आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नोट्स पीजे को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं पीडीएफ डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा टाइमर जैसे ही काउंट डाउन यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो डायरेक्टली ये हमें देखिए ये दूसरे टैब पे हमें यहाँ पे क्रोम में ले गया और यहाँ से हम यहाँ पे देखिए जो है हम संपूर्ण क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। सो गाइस, जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा था आपको, चलिए यहाँ पे मैं आपको और क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो कि आपके आने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबियर भी यहाँ पे देखो जो बाल श्रम है वो खत्म क्यों हो जाना चाहिए और कैसे। ठीक है, इसके बारे में हमें लिखना है और ये 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपके सेक्शन डी में अभी मुझे देखने के लिए मिला था। तो किस प्रकार से बाल श्रम खत्म किया जा सकता है, तो अपने शब्दों में ये पूरा आपको लाइफ तक पूरा आपको लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देखने के लिए मिला था वो है आपका, देखिएगा, व्हाई वाज डगलस, ठीक है, डिटरमाइंड टू गेट अवर हिज फील फॉर वाटर। ठीक है,
तो डगलस जो है वो पानी के डर को दूर करने के लिए क्यों दृढ़ थे, ठीक है। डगलस जो थे वो पानी के डर को दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय उन्होंने क्यों कर लिया था, तो ये पूरा आंसर यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, तो हिंदी में पढ़ के आप इंग्लिश में अपनी भाषा में इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, हाउ डिड डगलस, ठीक है, ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो डगलस यही वही क्वेश्चन है जो पानी के डर से क्यों दूर कर रहते करने के लिए वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। इसके बाद है हाउ डिड यहाँ पे डगलस मेक श्योर द, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए जो इनका क्वेश्चन है, डगलस ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि उन्होंने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो उन्होंने कैसे सुनिश्चित किया, जो उनका पुराना डर था उस पर उन्होंने विजय प्राप्त करी, तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपको अपने हिसाब से याद कर लेना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी एप्लीकेशन भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन कौन सी पूछी जाएगी, बट पूरा पेपर मैं नहीं दिखाने वाला। वाई डिड द सो थियरी, यहाँ पे देखिएगा ये पूरा पेडी डर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसे फेरी वाले को तीन कॉर्नर क्यों दिखाए, ठीक है, उसने फेरी वाले को तीन कॉर्नर क्यों दिखाए, तो यहाँ से यहाँ तक ये पेडी डर तक पूरा आपको याद करना है। इसके बाद देखेंगे हम आगे, ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया था, देखिएगा पेडीडर ऐसा क्यों, पेडीडर को ऐसा क्यों लगा जो चूहे दानी पर फंसने जा रहा था, ठीक है। व्हाट मेड द पेडीडर थिंक डेट हेड, तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप देख लीजिए। सो गाइस यहाँ तक आप ये पार्ट वन में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पार्ट टू में मैं आगे के क्वेश्चन बता दूंगा अगर आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा देखने के लिए मिलता है।